हेलो दोस्तों, भाई बहनों नमस्कार। स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में और बात करेंगे राजस्थान की 10 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आइए जान लेते हैं राजस्थान की इन 10 खबरों के बारे में फटाफट से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइन। शादियों में मेहमानों की संख्या से पाबंदी हटी, राजस्थान में फिर बढ़े सोने के दाम। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर टैक्स की लड़ाई का गणित, 40,000 लीटर मिलावटी बायोडीजल जब्त, किसानों को मिलेगी खाद की किल्लत से राहत, पीएम मोदी ने जताया हादसे पर दुख। 11वीं और 12वीं के छात्र स्कॉलरशिप के लिए करे आवेदन। 16 नवंबर बाद तेज हो गए सर्दी के तेवर। 14 नवंबर से गाँव में लगेंगे मेडिकल कैंप। जयपुर में दर्शकों की मौजूदगी में होगा भारत न्यूजीलैंड T20 मैच। दोस्तों अब जान लेते हैं इन खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए और साथ में कर दीजिए उस लाल बटन दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। राजस्थान के इस समाचार को वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान समाचार के इस वीडियो में आपको राजस्थान की हर एक छोटी बड़ी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके सारी खबरों जानकारी ले लेते हैं। शादियों में मेहमानों की संख्या से पाबंदी हटी। सरकार द्वारा शादी समारोह में मेहमानों की संख्या पर लगी पाबंदी हटाने के बाद कार्यक्रम व मेन्यू में बदलाव होने लगा है, क्योंकि अब तक शादी समारोह में 200 लोगों को बुलाने की अनुमति थी। इसे राहत मिलने के साथ ही शादी समारोह और बाजारों में उत्साह नजर आने लगी है। शादियों के लिए बुक की गई कैटरिंग फर्म के मेहमानों की संख्या के हिसाब से स्टाफ और अन्य संस्थाएं बढ़ाने के ऑर्डर मिलने लगे हैं। नवंबर दिसंबर में 1200 में जिले भर में 4000 से ज्यादा शादियां होगी। इससे जिले में करीब 850 करोड़ रुपए कारोबार की उम्मीद है। शादी समारोह को लेकर बाजार में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। सबसे ज्यादा खरीदारी कपड़ा व ज्वेलरी शोरूम पर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को खरीदारों की भीड़ के कारण जाम जैसे हालात बन रहे थे। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में फिर बढ़े सोने के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक का असर सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने के साथ ही सोने चांदी की कीमतों में हर दिन बदलाव हो रहा है, जिसके बाद बुधवार को जयपुर में 10 ग्राम सोने की कीमत में 250 रुपये इजाफा हुआ। वहीं चांदी रिफाइन प्रति किलो की कीमत पर स्थिर रही। जयपुर सरपरा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 49,650 रुपये पर आ गई है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 66,550 रुपये पर स्थिर रही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर टैक्स की लड़ाई का गणित। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद राजस्थान में पेट्रोल पर 6.35 रुपए लीटर और डीजल पर 12.69 रुपए लीटर की कमी हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को वेट कम कर जनता को राहत देने की अपील की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और विशेष एक्साइज ड्यूटी को और कम करने को कहा है। सियासत गरमाने के बाद आखिरकार सीएम ने तेल के दाम घटाने के संकेत दिए हैं। तेल के दामों को लेकर जारी सियासत के बीच ये समझना जरूरी है कि कौन कितना टैक्स वसूल रहा है, इससे आम जन पर कितना बोझ पड़ रहा है और सरकार कितना राजस्व मिल रहा है। राजस्थान में उदाहरण के तौर पर सरदार शहर इलाके में पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य के टैक्स का गणित समझा। सरदार शहर व पेट्रोल और डीजल की रेट पर एनालिसिस किया गया। इसमें पता चला कि डीजल की बिक्री रेट 98.12 रुपए में केंद्र और राज्य सरकार की टैक्स की 43 रुपए वसूले जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, डीजल में केंद्र और राज्य सरकार 43 रुपए टैक्स वसूल रही है। वहीं बात करें पेट्रोल की बिक्री की, तो पेट्रोल प्रति लीटर 113.76 रुपए है। केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल पर 59.61 रुपए है टैक्स वसूल रही है, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बड़े लेवल पर टैक्स वसूली कर रही है। पेट्रोल पर 59 रुपए और डीजल पर 43 रुपए टैक्स वसूली कर रही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 40,000 लीटर मिलावटी बायो डीजल जब। पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद से ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से बायोफ्यूल बिक्री कारोबार की जमकर फलफूल हो रहा है, फिर जिसे लेकर पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। झालावाड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने सदर थाना क्षेत्र में जूनापति में बड़ी कार्रवाई कर अवैध रूप से संचालित बायोफ्यूल पंप का भंडाफोड़ किया है। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती कीमतों के बाद मिलावटी बायोफ्यूल की बिक्री भी बढ़ गई है, जिससे आमजन को गाड़ी की दिक्कतों के साथ ही सरकार को भी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसमें अवैध बायोफ्यूल तथा मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु अभियान चलाए जा रहे हैं। मुखबिर से सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में अवैध रूप से संचालित मिलावटी बायोफ्यूल पंप के संचालन की सूची मिली है। इसमें एसपी राजेश यादव के नेतृत्व में विभिन्न थाना अधिकारियों की टीम गठित की गई और सदन थाना क्षेत्र में जूनापानी में छापामारी की। एसपी ने बताया कि जूनापानी में एक मकान में बाड़े में अवैध मिलावटी बायोफ्यूल का पंप संचालित होता मिला है। मौके से अवैध मिलावटी बायोडीजल से भरे 2 टैंकर, बायोडीजल से भरे 4 ड्रम और 11 खाली ड्रम, एक जनरेटर, एक पंप नोजल और एक डीजल मोटर बरामद हुई है, जिसे पुलिस टीम ने जब्त कर लिया है। टीम ने अवैध बायोडीजल पंप का संचालन कर रहे 3 आरोपी मोहनलाल राजेश और प्रहलाद बंजारे को भी गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह अवैध मिलावटी बायोडीजल गुजरात के कच्छ क्षेत्र
क्षेत्र में मंगवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेच रहे हैं। पुलिस टीम ने अब अग्रिम जांच में लगी हुई है। दोस्तों, अगर आपके गांव शहर में ऐसे कोई पेट्रोल डीजल की बिक्री कर रहा है तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि इस पेट्रोल डीजल से आपकी गाड़ियों को बहुत नुकसान हो सकता है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। किसानों को मिलेगी खाद की किल्लत से राहत। बारा जिले में लंबे समय से खाद की किल्लत के कारण किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इसी बीच बुधवार को जिले में कोटा चंबल फर्टिलाइजर एंड मेडिकल लिमिटेड से 4000 मेट्रिक टन डीएपी की रेंग बारा जंक्शन पर पहुंची। ऐसे में अब डीएपी की किल्लत दूर होने की उम्मीद है। बारा जिले में इस साल 18000 मेट्रिक टन डीएपी की डिमांड की गई है। इसके बदले में मंगलवार तक 10500 टन डीएपी आ चुका है। इसके अतिरिक्त बुधवार को पहुंची रेंग में से बारा जिले को 2800 मेट्रिक टन और झालावाड़ जिले को 1200 मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगी। इसके अलावा 800 मेट्रिक टन डीएपी कोटा से अतिरिक्त आ रहा है। ऐसे में जिले में कुल 14000 मेट्रिक टन के करीब डीएपी पहुंच जाएगा। इसके अलावा डीएपी की जगह इस बार किसानों ने कृषि विभाग की सलाह पर एनपीकेस का भी जमकर उपयोग किया है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। बाड़मेर जिले में आज हुए दर्दनाक हादसे पर श्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पीएमओ ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। मृतकों के परिवार को पीएम एनआरएफ के प्रत्येक 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पीएमओ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बाड़मेर के पंचपदरा इलाके में जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर आज सुबह बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई थी। भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी। आग लग जाने से बस में सवार 12 यात्री जिंदा जल गए और करीब 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए। घायलों को बोलोतरा में नोहटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अति गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 11वीं और 12वीं के छात्र स्कॉलरशिप के लिए करें आवेदन। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सेक्शन क्षेत्र 2021-22 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन 30 नवंबर तक करना है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन राजस्थान सरकार की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंत एवं अर्ध घुमंत वर्ग के 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलती है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के डॉक्टर सुमित शर्मा के अनुसार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन और शिक्षण संस्थाओं द्वारा पुराने रजिस्ट्रेशन को अपडेट करने की प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू हो गई है। नए आवेदन और पुराने रजिस्ट्रेशन को अपडेट करने की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 को संपन्न होगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 16 नवंबर बाद तेज हो गए सर्दी के तेवर। राजस्थान सर्दी के मौसम का इंतजार कर रहे लोगों को अभी थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में सर्दी का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मौसम भी पूरी तरह साफ रहेगा और धूप भी तेज निकलेगी। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रदेश के मौसम की स्थिति देखें तो आज चित्तौड़गढ़, सीकर, भीलवाड़ा और चूरू को छोड़कर शेष सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। हालांकि दिन के तापमान में पिछले 2-3 दिन में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। शर्मा की माने तो 16 नवंबर बाद उत्तरी हवाएं राजस्थान की तरफ आने लगेगी, जिससे प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ेगा। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 14 नवंबर से गाँव में लगेंगे मेडिकल कैंप। प्रशासन गाँव के संग अभियान की तर्ज पर अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एक विशेष तरह के शिविर आयोजित करेगा। इन शिविरों का आगाज 14 नवंबर को होगा, जिसका नाम मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर रखा है। इन शिविरों के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने न केवल ग्रामीणों की जांच करेगी बल्कि उनका डाटाबेस भी तैयार करेगी। ग्रामीणों की स्वास्थ्य कुंडली बनाने के साथ साथ गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों की पहचान कर उन्हें उच्च स्तर पर इलाज के लिए सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार की ओर से 14 नवंबर से शुरू किए जाने वाले यह शिविर 21 मार्च तक आयोजित होगा। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। जयपुर में दर्शकों की मौजूदगी में होगा भारत न्यूजीलैंड T20 मैच। राजस्थान के खेल प्रेमियों का लंबा इंतजार खत्म होगा। गृह विभाग ने 17 नवंबर को जयपुर के SMS स्टेडियम में होने वाले T20 मुकाबले में दर्शकों की मौजूदगी की अनुमति दे दी है। कोरोना गाइडलाइन के तहत दर्शकों को मैदान में प्रवेश दिया जाएगा। इसी दौरान कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगाने वाले व्यक्ति मैदान में बैठ भारत न्यूजीलैंड मैच देख सकेंगे। भारत क्रिकेट एसोसिएशन ने पिछले दिनों सरकार ने 100% दर्शकों की मौजूदगी में T20 मैच के आयोजन की अनुमति मांगी थी।
थी। सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन के तहत दर्शकों की मौजूदगी में मैच कराने की स्वीकृति दे दी है। ऐसे में गुरुवार से पेटीएम पर ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी। वहीं 1500 रुपये से टिकट की कीमत बढ़कर 2000 से 2500 रुपये तक जा सकती है। ऐसे में इस बार हर कैटेगरी के टिकट की कीमत बढ़ सकती है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण अपडेट, और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।